नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके क्विज की वीडियो नंबर 15 में। रोजाना की तरह आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और आंसर्स लेके आया हूं, तो बिना समय गवाए चलिए ये क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, राजस्थान में मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बांसवाड़ा, बी उदयपुर, सी कोटा या डी टोंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बांसवाड़ा। राजस्थान में मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बांसवाड़ा है, और बांसवाड़ा में भी लीलवाना और कालाकुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका उत्पादक अत्यधिक तौर पर होता है। और इसके बाद राजस्थान में कुछ और जिले भी हैं जैसे उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, ये सभी जिलों में मैंगनीज धातु का उत्पादन होता है। तो जैसे उदयपुर में देबारी और निगड़िया क्षेत्र है, सवाई माधोपुर में रेवासा है, और जयपुर भी मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा नहीं पर एक अच्छा खासा उत्पादन करता है। तो हमारे एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए कि राजस्थान में मैंगनीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। लेकिन उसके अलावा भी राज्य में कुछ और जिले हैं जहाँ पर मैंगनीज धातु का उत्पादन होता है, जैसे उदयपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर। और मैंगनीज का उपयोग किस में किया जाता है अगर प्रश्न पूछा जाए, तो उसका उत्तर है जैसे लौह इस्पात निर्माण में किया जाता है और शुष्क शैल के निर्माण में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गुप्त खजाने की खोज के लिए किले के भीतर हुई व्यापक खुदाई के कारण देश विदेश में चर्चित रहा? तो इसके ऑप्शंस हैं ए स्वर्णगिरी, बी जयगढ़, सी मेहरानगढ़ या डी नाहरगढ़। तो इसका सही उत्तर है बी जयगढ़। राजस्थान का जयगढ़ दुर्ग गुप्त खजाने की खोज के लिए किले के भीतर हुई व्यापक खुदाई के कारण देश और विदेश में चर्चित रहा था। और इसकी खुदाई किसने कराई थी? तो इसकी खुदाई कराई थी हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में गुप्त खजाने की खोज में इस किले के भीतर एक व्यापक तौर पर खुदाई करवाई थी। अब खजाना मिला या नहीं इतनी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि राजस्थान का जो जयगढ़ दुर्ग है उसमें गुप्त खजाने की खोज करवाई थी इंदिरा गांधी ने करवाई थी अपने प्रधानमंत्री काल में। क्लियर हुआ आपको? चलिए अगला प्रश्न, राजसमंद जिले में श्रीनाथ मंदिर का निर्माण, श्रीनाथ जी जो मंदिर का निर्माण है, मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने महाराणा कुंभा, बी महाराणा राज सिंह, सी महाराणा अमर सिंह या डी महाराणा राज सिंह द्वितीय। इसका सही उत्तर है बी महाराणा राज सिंह। राजसमंद जिले में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। और ये श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में कहाँ है? तो वो है नाथद्वारा में। और इसका निर्माण हुआ था सन 1671 ईस्वी से 72 ईस्वी में महाराणा राज सिंह के द्वारा। और वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, काफी बार पूछा भी जाता है कि वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर है जो कि नादौर राजसमंद में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था महाराणा राज सिंह ने 1671 ईस्वी से 72 ईस्वी में। इसका कॉन्सेप्ट हमें ये क्लियर हुए दो चार इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारे दो तीन पॉइंट क्लियर हुए हैं। क्या क्या? एक तो श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था, कब करवाया था? 1671 ईस्वी से ईस्वी में करवाया था। और वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है श्रीनाथ जी का मंदिर। चलिए अगला प्रश्न, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए वल्लभ नगर, बी फलोदी, सी सिवाना या डी बगरू। सही उत्तर है ए वल्लभ नगर। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर में स्थित है और वल्लभ नगर उदयपुर जिले में स्थित है। और इस भैंस प्रजनन केंद्र का स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? तो वो उद्देश्य है भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी लोहा, सी कासा और डी स्फटिक। सही उत्तर है बी लोहा। आहड़ संस्कृति के जो लोग थे वो लोहे धातु से परिचित नहीं थे। और इसके आहड़ सभ्यता के बारे में हम कुछ बातें तो जानते हैं, जैसे कि आहड़ सभ्यता का जो विकास हुआ था वो आयड़ नदी के किनारे हुआ था। और आयड़ नदी को आयड़ नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था। और ये जो आयड़ नदी है इसका सही नाम बेड़च नदी है, जो कि उदय सागर जो झील है उसके पश्चात उसे बेड़च कहा जाता है। पहले आयड़ नदी कहा जाता था क्योंकि आहड़ सभ्यता का विकास यहाँ पर हुआ था। और इस सभ्यता का काल क्या था? तो इस आहड़ संस्कृति की सभ्यता का काल था 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक। ये प्रश्न भी काफी बार बार पूछा जाता है। और जब इसका उत्खनन किया गया था, इसमें खनन किया गया था, तो इसमें तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जैसे कुल्हाड़ी, चूड़िया, तांबे की चद्दर, तांबे की अंगूठी आदि प्राप्त हुई। इसी कारण जो तांबे की वस्तुओं का ये प्रमुख केंद्र है और इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ताम्रवती नगरी किस प्राचीन सभ्यता को कहा जाता है, तो वो आहड़ संस्कृति को कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। और इसका जो का जो खनन कार्य हुआ था ये हुआ था सन 1961 से 1962 ईस्वी में। और ये किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये हुआ था प्रोफेसर HD सांकलिया के। तो इसके हम इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारे क्या क्या पॉइंट क्लियर हुए? एक तो ताम्रवती नगर किसे कहा जाता है? आहड़ संस्कृति को कहा जाता है। इसका जो है ना उत्खनन कार्य हुआ था कब हुआ था? 1961 ईस्वी से 62 ईस्वी में। किसने करवाया था? किसके निर्देशन में हुआ था? तो प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था।
उसका जो सभ्यता काल था वो था 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व था। चलिए क्लियर हुआ हमें। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, ए अली बख्शी, बी लच्छीराम, सी बागाजी या डी गोपाल। उत्तर है सी बागाजी। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता बागाजी हैं। अब भवाई नृत्य के से हमारे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो भवाई नृत्य जो है वो मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा सिर पर बहुत सारे घड़े रखकर किया जाता है। ये हमने काफ़ी बार देखा भी होगा किसी किसी प्रोग्राम में। तो क्या है भवाई नृत्य? मेवाड़ की जो भवाई जाति है उसके द्वारा सिर पर बहुत से घड़े रखकर ये नृत्य किया जाता है और ये मूलतः पुरुषों का नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि सिर पर घड़े रखकर जैसे तलवार की धार पर या फिर कांच के टुकड़ों पर या फिर थाली के किनारों पर पैर रखकर ये नृत्य किया जाता है। तो हमारे पॉइंट्स क्लियर हुए, एक तो भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे तो बागाजी थे, और भवाई नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है तो भवाई जाति द्वारा किया जाता है जो कहाँ पर है, मेवाड़ में। इसमें क्या होता है सिर पर बहुत से घड़े रखकर नृत्य किया जाता है, जैसे तलवार की धार पर किया जाता है, कांच के टुकड़ों पर किया जाता है, थाली के किनारों पर और भी ऐसी जो थोड़ी कठिन भरी चीज़ें हैं उन पर नृत्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, चित्र पैलेस के नाम से क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए चंद्रमहल पैलेस, बी विजय मंदिर पैलेस, सी सामोद महल, डी उमेद धवन पैलेस। तो इसका उत्तर है डी उमेद धवन पैलेस। चित्तर पैलेस के नाम से उमेद धवन पैलेस प्रसिद्ध है। और अगर पूछा जाए कि उमेद धवन पैलेस कहाँ स्थित है तो वह हमारे राज्य में जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्वार एवं निर्माण करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए महाराणा प्रताप, बी मानसिंह, सी राव बिका या डी महाराणा कुंभा। उत्तर है डी महाराणा कुंभा। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा महाराणा कुंभा थे जिन्होंने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्वार एवं निर्माण करवाया था। और इनके बारे में एक और बात आपको बता दूं कि राज्य के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण भी इन्होंने करवाया था, और वहाँ पर जो विजय स्तंभ स्थित है उसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया था, इसीलिए इन्हें राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्वार निर्माण करने वाला राजा माना जाता है। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था तो वो भी महाराणा कुंभा ने करवाया था, और वहाँ स्थित जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न, राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन है ए जगत सिंह, बी सवाई जय सिंह, सी जसवंत सिंह या डी राव राम सिंह। उत्तर है डी राव राम सिंह। राजपूताना के राव राम सिंह ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था। और पूछा जाए कि कब हुआ था ये प्रयास, कब इन्होंने ये कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था, तो वो किया था सन 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर की, सी 100 सेंटीमीटर की या डी 150 सेंटीमीटर की। सही उत्तर है बी 50 सेंटीमीटर की। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुज्जर जाति के व्यक्ति करते हैं? ऑप्शन है ए तेजाजी, बी देवनारायण जी, सी बाबूजी या डी संत पीपा। सही उत्तर है बी देवनारायण जी। राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुजर जाति के व्यक्ति करते हैं वो है देवनारायण जी। और इसी क्वेश्चन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है कि देवनारायण जी लोक देवता, इनका जन्म स्थान क्या है तो वो है आसीन भिलवाड़ा, और जो गुजर जाति है वो इन्हें विष्णु भगवान का अवतार भी मानते हैं, और देवनारायण जी की जो फड़ का गायन होता है वो गुज्जर जाति के पोपे करते हैं, गुज्जर जाति के जो पोपे द्वारा इनकी फड़ का गायन किया जाता है। और ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो वो होता है जंतर वाद्य यंत्र। देवनारायण जी की फड़ का गायन गुज्जर पोपे द्वारा किया जाता है और वाद्य यंत्र होता है जंतर वाद्य यंत्र। और एक इंपॉर्टेंट बात, काफी इंपॉर्टेंट है, कि देवनारायण जी प्रथम लोक देवता ऐसे हैं जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। क्या हुआ कि देवनारायण जी प्रथम लोक देवता है जिन पर 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस
इसे ध्यान से सुनिएगा। तो इसके साथ साथ क्या क्या पॉइंट हमारे क्लियर हुए कि एक राजस्थान का वह लोक देवता जिनकी उपासना मुख्यतः गुजर जाति के लोग करते हैं, तो वो है देवनारायण जी। और देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसिंद भिलवाड़ा में, और गुजर जाति के लोग इन्हें विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, और इनकी फड़ का गायन गुजर बोप द्वारा किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तो वो होता है जंत्र वाद्य यंत्र। और 2010 में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने इनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया था। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में खेड़ा ब्रह्मा जो कि गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? ऑप्शंस है ए 500 किलोमीटर, बी 550 किलोमीटर, सी 600 किलोमीटर और डी 650 किलोमीटर। सही उत्तर है बी 550 किलोमीटर। राजस्थान में खेड़ा ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। और इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो आरपीएससी क्या करती है कि कोई भी एग्जाम उसमें क्वेश्चन वही होते हैं, बस उन्हें घुमा फिरा के पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को अगर सरलता से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, यही पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई राजस्थान में कितनी है, बस इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया कि खेड़ा ब्रह्मा जो गुजरात सीमा से चालू होता है इसे खेतड़ी तक। अब ये खेतड़ी कहाँ पे, ये खेतड़ी झुंझुनू में है। तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान की जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो वो है 550 किलोमीटर, हम जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उलझ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब मैं और आपके इसको बता देता हूँ कि राजस्थान के 17 जिलों में ये फैली हुई है, जो अरावली पर्वतमाला है 17 जिलों में फैली हुई है, और इसकी कुल लंबाई है तो वो है 692 किलोमीटर। तो क्या क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है और कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है। और खेतड़ी कहाँ स्थित है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। हनुमानगढ़ जिले में पैदा की जाने वाली किस प्रमुख फसल को सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने ए गेहूं, बी कपास, सी चीकू या डी चावल। सही उत्तर है बी कपास। हनुमानगढ़ जिले में पैदा की जाने वाली कपास फसल को सफेद सोना कहा जाता है। और एक और प्रश्न इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है कि सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, कौन सा जिला सर्वाधिक उत्पादन करता है कपास का, तो वो है हनुमानगढ़। तो क्लियर हुआ कि हनुमानगढ़ जिले में पैदा की जाने वाली कपास फसल को सफेद सोना कहा जाता है, और सर्वाधिक उत्पादन भी हनुमानगढ़ जिले में ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कब से राज्यपाल का पद सृजित हुआ था, मतलब कब राज्यपाल का पद बना था? तो इसके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1952, बी 21 जून 1954, सी 21 फरवरी 1955 या डी 1 नवंबर 1956। सही उत्तर है डी 1 नवंबर 1956। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 में राज्यपाल का पद सृजित हुआ था। और 1 नवंबर 1956 से आपको याद आना चाहिए कि ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, खासकर पुलिस पटवार और थर्ड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है कब अस्तित्व में आया था। तो वो आया था 1 नवंबर 1956 को, और राज्यपाल का पद कब सृजित हुआ, वो भी हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलिए अगला प्रश्न। पंचायती राज संस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए जिला परिषद, बी ग्राम पंचायत, सी क्षेत्र पंचायत या डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्था की आधारशिला ग्राम पंचायत को कहा जाता है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।